गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 8, लेसन 8, मणिकर्णिका का। लास्ट क्लास में हम इसको पढ़ रहे थे, तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पेज नंबर 52 पे। इन द ईयर 1857 झांसी वाज अटैक्ड ट्विस बाय इट्स नेबरिंग स्टेट ऑफ ओरछा एंड दातिया। 1857 के साल में झांसी पर दो बार अटैक किया गया, ट्विस मतलब दो बार अटैक किया गया, बाय किसके द्वारा, इट्स नेबर, इसके जो पड़ोसी देश थे, पड़ोसी प्रदेश थे, ओरछा और दातिया, इन्होंने दो बारी झांसी पर आक्रमण किया। हावेवर रानी लक्ष्मीबाई वाज एबल टू डिफेंड हर स्टेट फ्रॉम ऑल इन्वेडर्स। जब यहाँ तक कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अपने जो स्टेट थी, अपनी झांसी को बचाया अपने आक्रमणकारियों से इन जनवरी 1858, लेकिन जनवरी 1858 में द ब्रिटिश आर्मी इन्वेडेड झांसी, ब्रिटिश आर्मी ने, अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। द बैटल वेंट ऑन फॉर 2 वीक्स, दो हफ्तों तक लड़ाई चली। द स्टेट ऑफ झांसी वॉज फाइनली एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। लास्ट में जो दो हफ्ते लड़ाई चलने के बाद जो झांसी थी उसको अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई मैनेज टू एस्केप झांसी विद हर सन। रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे तैसे मैनेज किया वहाँ से, एस्केप मतलब भाग जाना, झांसी से भागी वो अपने वहाँ से अपने बेटे को लेकर, इन द गेज ऑफ अ मैन, भेस में, एक आदमी के भेस में, भेस बदलकर वो जैसे तैसे झांसी से निकल पाई। शी वेंट टू कल्पी वेयर शी ज्वाइंड फोर्स विद तात्या टोपे अनदर ग्रेट मराठा वॉरियर। वहाँ उन्होंने कल्पी गई, जहाँ पर जाकर उन्होंने एक दूसरी फोर्स को ज्वाइन किया जो किसकी थी, तात्या टोपे की, जो एक दूसरे मराठा वॉरियर मीन्स योद्धा, मराठा योद्धा थे, उनकी फोर्स को उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने ज्वाइन कर लिया। द ब्रिटिश अटैक्ड कल्पी इन मे 1858। अब अंग्रेजों ने कल्पी पर भी आक्रमण कर दिया 1858 में, वेयर बोथ तात्या टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई वर डिफीटेड, जहाँ पर दोनों हार गए, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों हार गए। द रानी विश्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ हर फोस्टर सन। अब रानी लक्ष्मीबाई को अपने बच्चे की का पालन पोषण करना था, छोटा जो उनका बेबी था उसकी उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, सी डिसाइडेड टू एस्केप टू ग्वालियर, तो उसने डिसाइड किया कि वो ग्वालियर से चली जाएगी, ठीक है, चली गई। लक्ष्मीबाई वांटेड टू ऑक्यूपाई द ग्वालियर फोर्ट फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो उसने क्या करा, लक्ष्मीबाई ने कब्जा किया ग्वालियर पर अपनी युद्ध नीति के द्वारा। इन जून 1858 में, 1858 में जब वैन ग्वालियर केम अंडर हैवी सीज, जब ग्वालियर की घेराबंदी कर ली अंग्रेजों ने, ग्वालियर को घेर लिया जून 1858 में, लक्ष्मीबाई ट्राई टू एस्केप ग्वालियर ऑन द हॉर्स बैक, तो लक्ष्मीबाई ने वहाँ से ग्वालियर से भाग जाने की, वो मतलब घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश की इन अ सॉर्स यूनिफॉर्म, किसके, किसान की ड्रेस में, किस भेस बदल कर किसान की ड्रेस में वहाँ से ग्वालियर से निकलने की कोशिश की। कम्प्लीटली आप पूरी तरह से अपने साजो सामान जो उनके जो अस्त्र शस्त्र थे उससे सज्जित होकर, ठीक है, किसान की भेस में वो वहाँ से ग्वालियर से निकली घोड़े के ऊपर बैठ कर। हर इन्फेंट सन वॉज टाइड टू हर बैक, और अपने बेटे को उन्होंने टाइड मतलब बांधा हुआ था अपने बैक पर, अपनी कमर पर, पीछे अपने बेटे को उन्होंने बांध लिया। द ब्रिटिश अटैक्ड रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने पीछे से रानी लक्ष्मीबाई पर अटैक किया। शी वॉज बैडली, बैडली मतलब बुरी तरह से, बैडली वाउंडेड, वाउंडेड मतलब घायल होना, बुरी तरह से घायल हो गई। सिंस शी वॉज, सी डिड नॉट वॉन्ट हर बॉडी टू फॉल इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि वो चाहती थी कि जो उनका शरीर है मरने के बाद अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाए। शी टोल्ड अ हर्मिट, हर्मिट मतलब एक जगह पर एकाकी में रहने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसने एक हर्मिट को कहा टू कैरीमेट हर अपॉन हर डेथ, की वो उसकी मृत्यु के बाद उसकी बॉडी का संस्कार कर दे। द हर्मिट क्रिमेटेड एज पर हर विशेष, उसने हर्मिट ने उसका संस्कार किया उसकी इच्छा के, जैसी उसने इच्छा, उसकी इच्छा थी उसके अनुसार उसने उसका संस्कार कर दिया।
किसका? रानी लक्ष्मीबाई का। 3 days after her death, उसकी डेथ के 3 दिन बाद द ब्रिटिश वर एबल टू कैप्चर द ग्वालियर फोर्ट। जो ब्रिटिश थे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, किस पर? ग्वालियर फोर्ट पर। ओके बेटा, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आज आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ओके बाय।